नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप जो चाहते हैं स्त्री खुद आपको देगी, अभी बोले यह शब्द। आप जो चाहते हैं स्त्री खुद आपको देगी, अगर ये शब्द को अगर आप बोल देते हैं तो। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, यदि किसी स्त्री से अगर आप बेतहाशा प्यार करते हैं और उसका प्यार के साथ साथ अगर आप उससे संभोग क्रिया करना चाहते हैं, तो अभी आप इस शब्द को बोल सकते हैं। मन चाही स्त्री, मन चाही शादीशुदा स्त्री को अपने प्यार में बसीभूत करने का, अपने मोहब्बत में पागल करने का बहुत ही अचूक शब्द मैं बताने जा रहा हूं। इस शब्द के जरिए से आप किसी भी मनपसंद स्त्री को अपने प्यार के बसीभूत में फंसा करके आप उससे मनचाह काम करवा सकते हैं। जीवन भर आपका दासी बन करके रहेगी, जीवन भर आपकी गुलामी करेगी, आपके प्यार के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी, वो आपको छोड़ करके नहीं जा सकती है। यदि आप किसी मनचाही स्त्री से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो स्त्री आपको प्यार नहीं करती है, प्यार तो दूर, वो आपके तरफ देखना तक पसंद नहीं करती है। वो स्त्री आपके आजू बाजू भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के भी हो सकती है, लेकिन वो स्त्री आपसे नफरत करती है। उसके मुंह से आप कैसे उसको हां बोलवाइएगा, उसके मुंह से कैसे आप आई लव यू बोलवाइएगा, ये मंत्र का प्रयोग करके अवश्य देखें। ये बहुत ही अति शक्तिशाली प्रभावशाली शब्द है, लेकिन इसको बोलना कैसे है, इसकी तरीका और विधि क्या है, मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, आपको किसी भी दिन लेकिन आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। सच्चे दिल से अगर आप प्यार किसी को करते हैं, किसी स्त्री को प्यार करते हैं, तो इस प्रयोग को करके देखें। किसी भी दिन शाम के समय में आप नहा धो करके एक लोटा शुद्ध जल लीजिएगा, एक लोटा शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा कोई मीठा सामान उसमें डाल दीजिएगा, चाहे चीनी हो चाहे गुड़ हो, कोई भी चीज उसमें डाल दीजिएगा। दो अगरबत्ती जलाइएगा, ये लेकर के आपको चले जाना है किसी बरगद का पेड़ के पास। किसी भी बरगद का पेड़ के पास आपको जाना है शाम के समय में, सूरज डूबने के बाद। सूरज डूबने के बाद आपको जाना है उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके या पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके। आपको 21 बार, 51 बार या 108 बार जितना संभव हो इस मंत्र को आपको बोलना है। यह मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आप याद कर दीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम हिरिंग बट याचनी अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकु स्वाहा। जहां मैं अमुक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वहां पर उस स्त्री का नाम लेना है 21 बार, 51 बार या 108 बार जितना बार संभव हो। ओम हिरिंग बट याचनी अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकु स्वाहा। ओम हिरिंग बट याचनी अमुक स्त्री मावश्यम कुरकु स्वाहा।
इस मंत्र को बोल करके दो अगरबत्ती वहां जला दीजिएगा बरगद का पेड़ के पास, और वो जल को आपको डाल देना है, और डाल करके पीछे मुड़ के मत देखे सीधे घर वापस आ जाइएगा। बस इतना कर दीजिएगा, सुबह सुबह सूरज उगते ही वो स्त्री आपसे मोहब्बत करने लगेगी, वो स्त्री आपको जो चाहिएगा वो देने को तैयार हो जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसको आप अवश्य करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।